भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय टीम का स्कोर फिलहाल 37.4 ओवरों में 167/8 है और अब ऐसा लग रहा है कि भारत इस मुकाबले में हार की कगार पर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की इस हार के जिम्मेदार जितने बल्लेबाज हैं उतने ही बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिबुल हसन हैं। जी हां, शाकिबुल हसन के पंजे में आज भारतीय बल्लेबाज पूरे तरीके से फंसते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि शाकिबुल हसन ने आज जबरदस्त गेंदबाजी की है और उन्होंने अब तक के अपने जितने भी स्पेल हैं वहां पर जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 8 ओवरों में 1 मैडन 30 रन देकर 5 विकेट हासिल किए हैं। इकोनॉमी उनकी 3.75 रही है। बड़ी बात यह है कि इस पूरी स्पेल के दौरान उन्होंने सिर्फ एक चौका और एक छक्का लगा है। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी यहां पर 11वें ओवर में, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2 बड़े विकेट उन्होंने चटकाए। इसके बाद भारत का स्कोर एक समय जब संभलता हुआ नजर आ रहा था, जब भारत 152/4 था, उसके बाद उन्होंने 33वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया, वो रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे, और उसके बाद उसी ओवर में शाहबाज अहमद को भी यहां पर चलता किया। उसके बाद शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर को पवेलियन भेजने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। बड़ी बात यह रही कि 3 गेंदों में 2 रन शार्दुल ठाकुर ने बनाए। दीपक चहर यहां पर 0 पर आउट हुए। फिलहाल मोहम्मद सिराज के साथ केएल राहुल पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत कितना स्कोर खड़ा करेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज जिस तरीके की गेंदबाजी आज है शाकिबुल हसन ने, 290 विकेट उनके वनडे फॉर्मेट में हो चुके हैं और जबरदस्त अभी तक गेंदबाजी बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिली है। और भारतीय टीम यहां से अब कितना स्कोर भी खड़ा कर ले, अगर 100 रन भी यहां से बनाती तो भारत 260-270 तक पहुंच सकता है, जो कि अभी फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। अगर भारत यहां से 250 तक भी पहुंचता है, केएल राहुल क्योंकि वहां पर है इसलिए उम्मीद लग रही है, वरना 250 तक नहीं पहुंच पाया तो भारत इस मुकाबले में बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगा, क्योंकि अंडर फ्लडलाइट्स आसान होता है बल्लेबाजी करना जब हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। फिलहाल ओस भी पड़ सकती है। मुकाबला जरूर जल्दी शुरू हुआ है लेकिन उसका फायदा शायद बांग्लादेश को ज्यादा मिलेगा। इस वजह से बांग्लादेश के कप्तान लिटन कुमार दास ने टॉस जीता और टॉस जीतकर किया यहां पर पहले बल्लेबाजी का फैसला, नहीं बल्कि गेंदबाजी का फैसला। वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल फिर वही गलती कर रहे हैं, लगातार सिराज को स्ट्राइक दे रहे हैं, एक तरफ से विकेटें गिरती जा रही हैं। ये समझ से परे है, ये वही पुराने फॉर्मेट के ढर्रे पर भारतीय टीम चलती चली जा रही है। आप रन्स अपने बनाते हैं, आप टीम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को काफी ज्यादा इसका खामियाजा भी भुगतने को मिल रहा है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।